आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज, बयान टीवी। कि सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था में बहुत आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है। वो परिवर्तन ऐसा होगा कि वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा, जिसमें कि दीक्षा जो एक इंस्टीट्यूट है वो ई कंटेंट मुहैया कराएगा। दिव्यांगों के लिए भी ई कंटेंट तैयार किए जाएंगे और एक सबसे बड़ी चीज पीएम ई विद्या प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। पीएम ई विद्या प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा और सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जहां इंटरनेट की प्रॉब्लम है, मतलब पूरे देश में इंटरनेट आ रहा था कि भाई इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो सरकार का ये कहना है कि जैसे हमारे 3 चैनल पहले से ही चल रहे हैं और उसमें 12 चैनल और जोड़े जाएंगे, और जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां टाटा स्काई और एयरटेल, तो उनको डीटीएच से जोड़ दिया जाएगा और वो जो है सीधा प्रसारण मतलब कर सकेंगे। तो इसमें उन्होंने लक्ष्य रखा है वन क्लास वन चैनल। इसका मतलब यह है कि पहली क्लास के लिए 1 चैनल, दूसरी क्लास के लिए 1 चैनल, तीसरी क्लास के लिए 1 चैनल और 12वीं क्लास के लिए 1 चैनल। मतलब क्लास 1 से लेकर के क्लास 12वीं तक के लिए अलग अलग चैनल की व्यवस्था सरकार करने जा रही है और पीएम ई विद्या प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब बना दिया जाएगा। कंपनी कानून में भी बदलाव किया जाएगा, कंपनी लॉज में भी अमेंडमेंट किया जाएगा। सरकार की तरफ से हेल्थ पर भी खर्च बढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात आई है वो ये आई है कि 200 नई टेस्ट बुक्स, 200 नई टेस्ट बुक ई पाठशाला में जोड़ी जाएंगी। मतलब जो ई पाठशाला है उसके अंतर्गत एचआरडी जो हमारे पूरे शिक्षा भारत की शिक्षा व्यवस्था को वो देखते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो हमारी मतलब एचआरडी मिनिस्ट्री है वो ई पाठशाला में 200 टेस्ट बुक भी जोड़ेंगे और पूरा का पूरा जो है हमारा शिक्षा व्यवस्था वो पूरी शिक्षा व्यवस्था डिजिटलाइज हो जाएगी। और इसमें इतना ही नहीं, जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो लाइव टेलीकास्ट भी कर सकेंगे और स्टूडेंट और घर से ही जो एक्सपर्ट हैं अपने घर से ही इसमें स्काइप के थ्रू और एक लाइव टेलीकास्ट की भी करने की सरकार व्यवस्था करने जा रही है। तो कुल मिला के शिक्षा जगत में डिजिटल एजुकेशन का एक बहुत बड़ा जो शिक्षा का बिल्कुल ही चेंज मतलब होने जा रहा है। आगे आने वाले समय में सरकार का ध्यान पूरी तरह से डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन पर, डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन पर और टेलीविजन के थ्रू बच्चों को घर घर एजुकेशन देने का उनका संकल्प, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया। 3 चैनल पहले ही है मैंने बताया आपको और इसमें और 12 चैनल जोड़ने की बात कही गई है और इसमें वीडियो क्लासेस होंगी, उसमें स्टूडेंट टीचर दोनों ही लाभान्वित हो सकते हैं। कोरोना काल में शिक्षा के लिए ये जो व्यवस्था की जा रही है ये घर बैठे चैनल के द्वारा अब हर एक भारत में हर जगह पर बच्चा जो है टेलीविजन से पढ़ सकेंगे, ऐसा सरकार का मानना है। ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम चल रहा है वो निश्चित रूप से दलित बहुजन और घुमंतू समुदाय और आदिवासी लोगों को इस शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का पूरा नियोजित षड्यंत्र है। मजदूरों का पलायन और भूख प्यास से त्रस्त है और तमाम संसाधनों के, आज भौतिकवादी संसाधनों की यदि बात करें तो ये संसाधन न के बराबर यहाँ उपलब्ध है इस वर्ग के पास में, जिस वर्ग की चिंता हमें करनी चाहिए कि बहुजन है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, आदिवासी लोग जो हैं अभी भी जंगलों में रह रहे हैं, वो शिक्षा से बिल्कुल वंचित हैं।
जिन लोगों के भूख की पेट की आग बुझी नहीं है उन लोगों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन की बात करना बहुत बड़ी बेमानी से नजर आ रही है। और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए न तो आज एंड्रॉइड फोन है और न ही उस वर्ग के पास में टेक्निकल चीजें हैं। आपको जानकारी होगी कि देश में दलित वर्ग है, बहुजन समुदाय और आदिवासी वर्गों के पास में आज तक ठीक से लाइट भी उपलब्ध नहीं करना पड़ेंगे। मैं राजस्थान के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि देश के राजस्थान प्रांत के ऐसे जिले हैं जहाँ तक शिक्षा तो कोसों दूर की बात है, उनके घरों में आज तक बिजली क्या होती है, बिजली से चलने वाले उपकरणों के संसाधनों की जानकारी उन तक नहीं पहुंचे। ऐसे लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में रोशनी नहीं है, बिजली नहीं लगी है और मोबाइल की बात तो बहुत लंबे अरसे की बात है। तकनीकी के संसाधनों से जो ऑनलाइन जो पढ़ाई किए जाने का जो फार्मूला अपनाया जा रहा है, इसमें निश्चित रूप से बहुजन और दलित और आदिवासी लोगों को इस शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने का फार्मूला साबित होगा। कि देश के तमाम सामाजिक संगठन और आदिवासी वंचित वर्ग की चिंता करने वाले लोगों को इस दिशा में आगे आना चाहिए, महत्वपूर्ण बात है। के पास साधन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन ही नहीं है, तो ई लर्निंग का फायदा क्या? यह एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है जो सरकार के द्वारा गरीब लोगों को, उनकी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा से वंचित करने का एकमात्र षड्यंत्र है। सरकार के लिए निकले थे, अपने भरण पोषण के लिए निकले थे, वो आज सड़कों पे पैदल मारे मारे फिर रहे हैं। क्या यह अपने बच्चों को ई लर्निंग दे पाएंगे? शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है संविधान में, वो सस्ती और सरल शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, उसका उल्लंघन है। इस माध्यम का विरोध करना चाहिए।